हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सीटी की मेन ब्रांच में, जो कि लिस्बन में है, अपना एयरपोर्ट के थोड़े आसपास ही है। ठीक है, जहाँ मैं पहले भी गया था, मेंटगरी गए थे पहले। क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट महीना हो गया, बट अभी तक जो पार्सल आया था इंडिया से, यहाँ तक पहुँच गया लेकिन अभी तक घर पर डिलीवर नहीं हुआ। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ डेली, तो वो कह रहे हैं कि अभी क्लियरेंस पे पड़ा है, क्लियरेंस पे पड़ा है, एक ही जवाब आ रहा है उनका। और मैं पूछता कितने दिन लगेंगे, तो वो कह रहे हैं कि इस बारे में हम नहीं बता सकते, हमको कोई डेडलाइन नहीं, हमारे पास ये है वो है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो मेन ऑफिस में जाके आते हैं, तो इसलिए मैं आज निकल चुका हूँ घर से 9:15 पे, और 9:35 पे यहाँ से बस है, फिर आगे बाई सीट। ठीक है, तो बाकी अभी वहीं जाके पता लगेगा, वो भी उनका भी क्या जवाब रहेगा क्या नहीं। मतलब कंफर्म तो करें कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। बाकी मेन तो अभी वहीं जाके पता चलेगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल आपको मिलते हैं अपना बस में बैठने के बाद। ठीक है, दिखाते हैं आपको सफ़र, लेके चलते हैं आपको सिटी में। तो जो भी रहेगा बताऊँगा आपको। तो गाइस, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अपना शिफ्ट स्टेशन पे, तो जाएंगे शिफ्ट में, तो मिलता है आपको सीधा अपना ट्रेन तो बसों पहुँचने के बाद ही, फिर वहाँ से जाना बस में। तो जो भी रहेगा आपको पूरा सफर दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अपना ट्रेन तो बसों, और यहाँ से जाऊँगा मैं पैदल। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरफ जाना है मुझे अभी, ये रोड क्रॉस करके, ये भी थोड़ा सा आगे चल के अपना बस स्टॉप है, उसके बाद फिर बस में जाना है। 781 नंबर है बस, ये 703 भी जाती है लेकिन 703 लेट है, वो टाइम पे ज़्यादा लगाएगी। तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं, अभी 781 आने वाली है थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में है। ठीक है, तो चलेंगे उसमें। तो उस साइड गई है हमको, इस साइड से वापस जाके इस साइड से जाना है, इस रोड पे जाना है हमको, उस साइड पर जाना है। तो मिलता है आपको बाद में। तो भाई, ये अपना बस स्टॉप जहाँ पे लोग खड़े हैं। ठीक है, ये बस स्टॉप है, बस यहाँ से जाएगी बस। तो अभी बैठते हैं बस में, मिलते हैं आपको बाद में। ठीक है, दिखाते हैं आपको सफ़र। तो फाइनली गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ अपना बस स्टॉप पे, जस्ट अभी उतरा हूँ। वो यहाँ से बिल्कुल मेरे अब बैक साइड में है सीटी का ऑफिस, तो मुझे यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। मैं भी इस साइड से जाऊँ, यहाँ से घूम के तो सीटी का ऑफिस है, वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि और तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और चलते चलते हैं सीटी के अंदर, घूम के। तो गाइज, मैं उधर से घूम फिर के आ चुका हूँ सीटीटी के दफ्तर के बाहर। ये मेरे बैक साइड में आपके लोगों को मेरा, सब चलते हैं यहाँ से अंदर, पूछते हैं क्या है क्या नहीं, कि चीज़ों ने पंगा कर रखा है, कितने दिन हो गए, महीने की बात होगी अप्रोक्सीमेट। तो जाके पता करेंगे क्या रहेगा, जो भी होगा बताऊँगा आपको। बाकी इतना कहूँगा कि अगर किसी भी भाई ने पुर्तगाल में, जो भाई भाई रह रहा है, कोई भी सामान मंगवाना हो तो DHL और DPD के थ्रू मंगवाए, अपना इंडिया पोस्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब अपने इंडिया में तो पोस्ट उसकी जो सर्विस है वो अच्छी है, बट यहाँ पे जो है इनकी सर्विस अच्छी नहीं है। ठीक है ना, सिटी निकालो की। तो एक बार यहाँ पर पता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं बाद में।
तो भाई इस नंबर जो मैंने अभी कूपन निकाला है वो है 8045। तो उससे पहले कहीं खड़े हैं, अभी ये बंदे भी खड़े हैं, तो अब करते हैं थोड़ी देर वेट, कितना टाइम लगेगा तो अब वेट करने के बाद ही मिलते हैं आपको, बताते हैं क्या रहा क्या नहीं, पूछ लेते हैं क्या बताएंगे अभी, तो मिलते हैं अब बाद में। तो फाइनली गाइस यहाँ पे भी मैंने पता किया है, इनका भी एक ही कहना है कि ये अपने सिस्टम से उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन ही हो पाएगा, जो मतलब कि इसका जो प्रोसेस है ये कह रहे हैं कहीं पर दिक्कत आ जाती है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट कहीं पर एक वीक में हो जाता है, कहीं पर दो वीक में, कहीं पर तीन वीक में ये क्लियर हो जाता है, बट अब की बार ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये इनको भी नहीं पता क्यों, तो ये कह रहे कि थोड़ा सा और वेट कर लो, उसके देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं भी अपना अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ कॉन्टिनेंट में, इसको आस पास में कॉन्टिनेंट है थोड़ा टॉयलेट वगैरह के लिए, तो उसके बाद जाऊँगा बस में घर की तरफ, तो देखते हैं, बाकी थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं, एक दो दिन और कॉल कर लेते हैं उनको, खुद पूछ लेते हैं, हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं एक दो तीन वीक जो वो कह रहे हैं उसके बाद देखते हैं फिर, तो मिलते हैं आपको बाद में, पहले अपन चलते हैं कॉन्टिनेंट में। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपना कॉन्टिनेंट, अब चलते हैं यहां से अंदर, थोड़ा सा करके आ जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह टॉयलेट वगैरह करके आते हैं बाहर, फिर चलते हैं अपना घर की तरफ। तो गाइस कॉन्टिनेंट से बाहर आ चुका हूं मैं, कॉन्टिनेंट से बाहर आ चुका हूं मैं, और अपना फ्रेश फ्रेश होके टॉयलेट करके बस अब मैं जा रहा हूं यहां से बस स्टॉप की तरफ, अपना उसी के पास सीटी के ऑफिस के पास, ये थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो अब करते हैं वहाँ चलते हैं सीधा वहीं, अभी गया रेड लाइट, ठीक है, तो उसके बाद अभी चलते हैं सीधा, मिलते हैं आपको बस स्टॉप पे पहुँचने के बाद। तो गाइस बस में बैठने के बाद और मैं अब अपना सीधा पहुँच चुका हूँ अपना टायर दो पासो, ठीक है, तो सीधा टायर दो पासो पहुँच के वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अभी बस यहाँ पे जहाँ से हमने बस ली थी उसके जस्ट सामने अपना स्टॉप है, ठीक है, ये तो अपना जब हम यहाँ से गए थे ये वो स्टॉप है, और अब बस भी उसी रुकेगी और यहाँ से उतर के चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना ट्रेवल तो पास को, तो चलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ, आपको पहुँच के जाना, तो मिलते हैं मुझे। तो फाइनली गाइस पहुंचने के बाद कुछ खाने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ अपना सेंटर के लिए, दो बज चुके हैं और 2:05 पे बस दिखा रहा है, तो देखते हैं जो मतलब डेली टाइम है, तो देखते हैं आएगी टाइम पे नहीं आएगी, नहीं पैदल ही जाना पड़ेगा, तो जो भी होगा देखते हैं, फिलहाल चलते हैं अपना स्टॉप तक को, लास्ट स्टॉप तक को चले। तो फाइनली गाइस सेंटर से फ्री होके मैं जा रहा हूँ अपना घर की तरफ, बाकी जाते हुए मैं गया था अपना पैदल ही क्योंकि बस नहीं आई थी, तो जल्दबाजी में निकल गया था मैं, कि 10 से 15 मिनट मैंने वेट की फिर मैं निकल गया, तो जाते हैं घर पर कुछ खाते पीते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया था, शेक पिया था और दूध के साथ बिस्कुट खाए थे, तो चलते हैं घर पर बनाते हैं कुछ, आपको घर पहुँच के। तो फाइनली गाइस सेंटर पहुंचने के बाद वहां से फ्री होने के बाद मैं आ चुका हूं घर पे, और अभी देखते हैं मतलब जस्ट अभी आगे शर्ट निकाली है क्योंकि थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, तो इस चक्कर में, तो फिलहाल अभी देखते हैं अपना कुछ खाते हैं पीते हैं, पहले तो बनाते हैं शेक बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं रात की तैयारी करनी है खाने की, तो मिलते हैं आपको फिलहाल बाद में। तो भाई इस खाना खुना खाने के बाद, ठीक है, और अब आ चुका हूँ अपने बेड पे, तो करते हैं रेस्ट और अब वीडियो करते हैं एडिट, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।